नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगीना के ग्राम सत्तारवाला में ग्रामीणों की परेशानियों को देखते हुए ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के सहयोग से गांव में बस स्टॉप बनवाया जा रहा है। गांव में बस स्टॉप बनने से ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से गांव में बस स्टॉप न होने से गर्मी, सर्दी व बरसात में घंटों घंटों खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता था। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान नीति पाल सिंह और सेक्रेटरी अनुभव शर्मा व ओमपाल सिंह द्वारा बस स्टॉप का निर्माण कराया जाना सराहनीय कार्य है। नगीना से मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। जी, कहाँ के रहने वाले आप? सत्तार वाले के। अच्छा, जो बस स्टॉप बन रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे बस स्टॉप में? कब से बस स्टॉप नहीं था? हम तो बहुत दिनों से प्रधान से कह रहे हैं कि ये बस स्टॉप बनवाओ, यहाँ दोपहर में कैसे कैसे हम परेशान यहाँ रहते हैं, खड़े रहते हैं, सारे लोग परेशान रहते हैं, बस के इंतज़ार में रहते हैं। बताओ क्या करें हम, बताइए आप कैसे करें हम, हमारे बच्चे भी धूम में थक जाते हैं। आप ये इसका स्थान कह रहे हैं प्रधान से, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, ये बताइए आप कैसे होगा जी? अब ये प्रधान द्वारा बस स्टॉप बनवाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान के बारे में? खुश हैं इस बस स्टॉप बनने से? आप खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश है साहब, बिल्कुल खुश है। ठीक जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सत्तारवाला। अच्छा, ये जो बस स्टॉप यहाँ पर नहीं था, आपको क्या क्या परेशानियाँ करना पड़ती थी और अब यहाँ बन रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इससे हमें काफ़ी परेशानियाँ थी, हम लोग यहाँ पर घंटों घंटों बस का इंतज़ार करते थे खड़े होकर, और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना करके, बारिश हो, गर्मी हो, वो यहाँ पर खड़े रहते थे, बस का इंतज़ार करते थे। और अब ये बस स्टॉप बन रहा है, हम इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं और काफ़ी खुशी की बात है कि बस स्टॉप बन रहा है यहाँ पर, और इससे आगे के लिए हमें काफ़ी सहूलियत होगी, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और काफ़ी प्रधानों से हमने इसकी गुहार लगाई, लेकिन नहीं बन पाया यहाँ पे बस स्टॉप, और हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। कई सालों से गुहार लगा रहे हैं, बन नहीं पा रहा। जी जी जी, अब ये प्रधान द्वारा बनवाया जा रहा है। जी ठीक, आप इस बस स्टॉप बनने से खुश हैं? जी, हम काफ़ी खुश हैं, हमें सहूलत होगी इसके लिए जाने आने के लिए, कहीं बस का इंतज़ार करेंगे तो मतलब होगी हमारे सर पर यहाँ पर। ठीक, क्या नाम है भैया? कानू नाम है भैया मेरा। अच्छा, यहाँ धूप में खड़े होकर आप क्या कर रहे हैं? भैया हम तो सालों से ही खड़े होते हैं, अब दवाई लेने जा रहा हूँ नगीना। तबीयत ख़राब थी हाँ, और इतनी धूप में बताओ बस वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। धूप लगती है, कोई देर नहीं है, उधर से यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता। अच्छा, आप जो बस स्टॉप बन रहा है आपके गांव में, तो अब तो आप क्या कहना चाहेंगे बस स्टॉप के, क्या खुशी है हो या नाराज़ हो बस स्टॉप के? भैया सारी खुशी है यार, अगर ऐसा हो जाए अब यहाँ धूप में खड़े हैं तो थोड़ा इधर को जाके आराम से आदमी खड़ा तो हो सकता है, यह छाया तो मिल सकती है। आप बताओ धूप में खड़ा रहना इतनी गर्मी में बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशान है भैया। जब से ये बनना शुरू हुआ बहुत खुशी है यार, कम से कम बन जाए तो भैया बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे खड़ा होकर ही आप बस का इंतज़ार करते हैं? हाँ भैया, और क्या करें बताओ, कितनी धूप में भी बस का इंतज़ार करते हैं आप, बस का खड़ा होकर। बारिश हो, धूप हो, तूफान हो, जब इंतज़ार करते हैं तो करते ही बस का बस खड़े रहते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, मौजूद हूँ जिला बिजनौर के नगीना तहसील ग्राम सत्तारवाला में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस स्टॉप के ना होने से ग्रामवासी काफ़ी परेशान थे, बिल्कुल ऐसे खुले आसमान के नीचे ही देख सकते हैं, आपका तस्वीरों में देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे बस का इंतज़ार करना पड़ता था। और आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान द्वारा है कि बस स्टॉप बनवाया जा रहा है, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा एक बार दिखा दें। ये ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया जा रहा है, नितिपाल सिंह और सेक्रेटरी अनुभव शर्मा की मदद से एक छोटा सा ग्राम सत्तारवाला में बस स्टॉप बनवाया जा रहा है। बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ, ये काफ़ी सदियों में जाकर एक बस स्टॉप बन रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से ग्रामवासी कई प्रधानों से गुहार लगाते चला रहे हैं कई सालों से, लेकिन बस स्टॉप नहीं बन पा रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया है कि बस स्टॉप बन रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से खुले आसमान के नीचे खड़े होकर ग्राम सत्तारवाला के लोग बस का इंतज़ार करते थे, आखिरकार वो दिन आ गया है कि अब बस स्टॉप बन रहा है। अब सर छुपाने के लिए एक जगह मिल गई है ग्राम सत्तारवाला के लिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी गर्मी हो रही है, और देख सकते हैं सवारी इंतज़ार कर रही है बस का। बिल्कुल कैमरामैन ताजुद्दीन के साथ मैं मोहम्मद शादान, नगीना।